स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी बन पर। तो गाइस यहां पर दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कंफर्म 100% रियल पेपर लेके आ गए हैं आपका। देख सकते हो जो कि आपका कल पेपर होने वाला है। विषय आपका देख सकते हो गणित होने वाला है, कक्षा आपका 10वीं, सेट आपका ए हो सकता है यहां पर देख सकते हो, और आपका बी मैं जल्द से जल्द यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, और आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा A to Z PDF के साथ, ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट उसको सब्सक्राइब कर लेना। समय दोस्तों 3 घंटे होने वाला है और फुल सॉल्यूशन फुल पेपर आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो निर्देश आपको पढ़ लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका देख सकते हो प्रश्न नंबर पहला आता है। प्रश्न नंबर पहले में आपका सही विकल्प चुनिए, ठीक है ना। इस तरह से आपका प्रश्न पहला आएगा। तो पहला आपका दिया गया इसमें दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए इंटू बी बराबर 432 और एलसीएम ए बी बराबर 72 है, तो एलसीएम ए बी बराबर क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको 6, 432, 12, 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, यानी कि 6 इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा है आपका यदि द्विघात बहुपद x² + x - 6 की शून्य ए और अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा, -6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर तीसरा दिया गया है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का क्या होगा। तो इसका आपको आंसर बताना है, एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोई हल नहीं होगा। इसका नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर चौथा, श्रेणी 4, 7, 10 ∪ का कौन सा पद 28 है। तो यहाँ पर नवा पद इसका 28 हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर AB तथा CD बराबर 3 सेंटीमीटर, EC बराबर 4 सेंटीमीटर, BE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब DA होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा छठवां, दो बिंदुओं A 0.2 और यहाँ पर V बराबर दिया गया आपका मान, तो इसके बीच की दूरी बतानी है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, यानी AB = 2√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 अंक के आपके रिक्त स्थान आने वाले हैं। तो पहला इसमें आपका दिया गया एक प्राकृतिक संख्या का आवाज गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए ।. होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अद्वितीय होता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम ।. शून्यक हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। इसका तीसरा दिया गया आपका यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो उस समीकरण के विविक्तर का मान होगा। तो विविक्तर का मान होगा यहाँ पर 0। इसका नेक्स्ट है आपका यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9-5n हो तब श्रेणी का द्वितीय पद ।. होगा। तो द्वितीय पद क्या होगा यहाँ पर बताने वाले हैं आपको, बी इसके छोटा √ है +C - 2a छोटा कोष्टक बंद। इसके बाद आपका C + a, ठीक है ना, ए आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा यहाँ पर दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो तब परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो ।. आकृतियाँ कहलाती हैं। तो समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना, समरूप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठवां दिया गया वृत्त की दो बिंदुओं पर विच्छेद करने वाली रेखा को ।. कहते हैं। तो वहाँ पर छेदक रेखा कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर तीसरा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा निकाल लेते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जितनी जल्दी हो सके दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। उस पर पूरा का पूरा पेपर आपको PDF सहित आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर तीसरा, इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जो आपकी सत्य असत्य लिखी है, आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे परीक्षा में। और दोस्तों अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न बराबर 3π r² होता है, जहाँ r अर्धगोले की त्रिज्या होती है। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा यहाँ पर अपनी बुक में तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर π r² इसके बाद θ/360° होता है, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या तथा θ केंद्र पर आधारित अंतरित
त्रिकोण है, ठीक है ना, ये आप भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर, दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। श्रेणी तीन इंटू तीन कौमा माइनस तीन कौमा तीन माइनस तीन एक समांतर श्रेणी है, तो ये आपको बताना है, इसका आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो पाँचवा, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तब सूर्य के उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा, तो इसका आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। पांचवा आपका असत्य हो जाएगा, चौथा भी आपका असत्य हो जाएगा, और पहला दूसरा आपका और तीसरा सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा जो लास्ट है, तो दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा रेखा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, तो इसका ये हो जाएगा आपका सत्य, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर सही जोड़ी, प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी बनाइए, ठीक है ना। तो इसमें आपका स्तंभ आ और स्तंभ बा यानी कि पहला दूसरा दिया गया है सामने आमने, और इसमें आपको 6 अंक देखने को मिलेगी सही जोड़ी परीक्षा में। तो पहला आपका दिया गया यहाँ पर दोस्तों संख्याओं 2 और 4 का HCF, तो इसको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जी आपका मिल जाएगा डी वाले से, ठीक है ना, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 के शून्यकों का योग, तो दूसरे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1, ठीक है ना, यानी कि ई वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, इसका जो मान होता है आपका ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद आपका आएगा टेन 60 का मान कितना होता है, तो आपका अंडर रूट 3 होता है। इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपका कॉस थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए वाला, यानी कि आपका पहले वाले का करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा 1/sec थीटा। इसके बाद आ गया आपका लास्ट जो दिया गया है आपका, तो लास्ट मिल जाएगा आपका सी से। इसके बाद आपकी सही जोड़ी देख सकते हो आपकी हो गई, अभी तक आपने वीडियो को लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने जल्दी हो सके। प्रश्न नंबर 5, एक शब्द यानी कि एक वाक्य में उत्तर जो होते हैं आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे आपको। यहाँ पर दोस्तों पहला आपका दिए गए चित्र में बहुपद पी एक्स के लिए वाई पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया, तो इसमें आपको शून्य की संख्या बतलाइए, ठीक है ना। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, तो दूसरे में आपका क्या आएगा 2x + 5y = 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा है आपका, तो तीसरे में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर समीकरण विविक्तर ज्ञात करने का सूत्र बताना है आपको, तो d = b² - 4ac इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पर, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें आपको हाँ लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो ये आपका हो जाएगा केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पर बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए, ठीक है ना। तो बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पर होता है πr²h, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा πr², तो इसको आप लोग कर लेना जितने जल्दी हो सके पूरा। मैंने यहाँ पर आपको 1 से 5 तक के सभी वस्तुओं ने प्रश्न का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, तो आपको जितने भी 5 से आपके जितने भी 6 से 23 तक के सभी प्रश्न का सॉल्यूशन मैं जल्द से जल्द रेडी करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा चैनल पर। सेकंड वाले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको सब्सक्राइब कर लो जितनी जल्दी हो सके, उस पर आप लोग पूरा सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और मैंने इतना आपको सॉल्यूशन 1 से 5 तक सभी सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा दिया है, तो आप लोग दोस्तों में शेयर कर दो जितनी जल्दी हो सके, कन्फर्म यही पेपर आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में।